पाकिस्तान ये पुराना तोड़ के यहाँ पे नई बिल्डिंगें बनाएंगे। हमारा भाई तो पुलिस खड़ी है यार, हाँ सर जी पुलिस पान पीटो पान खड़ी पान बजा रहे। इन्होंने जालमों ने ये मौलस भी नहीं। इस वक्त हमें मैडम शायसा खोसो जो हैं वो ज्वाइन कर चुकी हैं, तो उनसे भी इस हवाले से हम जानेंगे कि यहाँ पे वो क्या उनकी तासुरात हैं और इनके ऊपर जो ये सारा जुल्म ढाया जा रहा है उन पे ये क्या कहना चाहेंगी। जी जी मैडम, हमें ये बताइएगा ये जो कार्रवाई की गई इंतज़ामिया की जानिब से आप इसको किस नज़र से देखती हैं और क्यों इनको अभी तक मुतबादल जगहें नहीं मिली हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे जो तीन दिन से मुसलसल ऑपरेशन चल रहा है, हमें इनको देखकर मतलब अल्फाज नहीं है जो हम बात कर सकें, क्योंकि इनके साथ जो बर्ताव किया जा रहा है मैं समझती हूँ कि इंसानों के साथ तो इस तरह जानवरों के साथ भी बर्ताव नहीं होता जिस तरह इनके साथ किया गया, और हमारी माएँ बहनें जो हमारी इज्जत हैं उनको ऐसे इस तरह उनके साथ रवैया रखा गया और किसी को मतलब खींचा गया है। हमारे भाई गुम हैं काफ़ी अकलियत बिरादरी के, जिनकी माएँ अभी चीख रही थी कि वो गुम कर दिए गए पुलिस ने, अभी तक उनका पता नहीं चल सका। हम हर जगह कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीर के ऊपर इतना जुल्म हो रहा है, इंडिया जुल्म कर रही है, ये कर रही है, और ये पाकिस्तान में हमें कश्मीर का मंजर नज़र आ रहा है। आप चारों यहाँ कैनालों पे देखें, हर जगह आपको मुझे लग रहा है कश्मीर का ही मंजर दिखाई देगा। जिस तरह हमारी माएँ बहनें अफसरान के पास कुरान पाक लेकर तड़प रही थी, उनको इल्तजा कर रही थी कि हमें मोहलत दी जाए, मोहलत दी जाए। जब इलेक्शन का टाइम होता है तो हमारे हुक्मरान आते हैं कि भाई आप बैठ जाएँ, कुछ नहीं होगा जब तक आपको मुतबादल जगह नहीं दी जाती, मगर जब वोट लेकर वो चले जाते हैं फिर वो भूल जाते हैं, और जब ऑपरेशन करना होता है तो फिर ये बात जाहिर करते हैं कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जो है हमें ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत हम ये जगहें तोड़ रहे हैं। सबसे पहले जब यहाँ से हम एंटर होते हैं तो इंटर पार्किंग होटल पहले आता है, तो वो इंटर पार्किंग होटल क्यों नहीं तोड़ा गया? वो इसीलिए नहीं तोड़ा गया क्योंकि वो किसी मिनिस्टर की प्रॉपर्टी है, इसीलिए नहीं तोड़ा गया। जब इंटर पार्किंग होटल लीज करके दिया जा सकता है तो इन गरीबों को ये जगह लीज करके क्यों नहीं दी गई? अगर ये जगह लीज करके नहीं दी गई तो इनको मोहलत दी जाती, कम से कम इनको नोटिस दिए जाते, सिर्फ इनको कहा जाता था, मगर प्रॉपरली इनको कोई भी नोटिस नहीं दिया गया। इनको एक दिन के अंदर अंदर ये ऑपरेशन हुआ है और यहाँ पे आंसू गैस चलाए गए हैं, फायरिंग की गई है, पुलिस ने भी इनके साथ जो है बहुत ही गलत बर्ताव किया है। मैं समझती हूँ कहीं पर भी दूसरे ममालिक से जो लोग आते हैं वो यहाँ पर पाकिस्तान में अगर पनाह लेते, मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से यही कहना चाहूँगी कि ये पाकिस्तानी नहीं है जो इनके साथ इस तरह का बर्ताव किया जा रहा है, उनको कम से कम मोहलत तो दी जाती। यहाँ के हुक्मरान ने जो ऐवानों में बैठ के अयाशियाँ करते हैं और इनका वोट लेकर जाते हैं, इनके वोट से वो अगर ऐवानों में बैठे तो इन गरीब के वोट की वजह से बैठे हुए, मगर अफसोस उन शायद हमारे हुक्मरान अभी तक गूंगे बहरे हो चुके हैं, वो अंधे हो चुके हैं अपने इकदार के नशे में, उनको ये गरीब आवाम दिखाई नहीं दे रहा। और इतनी सर्दी में, कम से कम सर्दी का मौसम में इतना तो इनको टाइम देते कि सर्दी के बाद ही ऑपरेशन करते, या जो 200 एकड़ ज़मीन इन्होंने अनाउंस की थी कि 200 एकड़ ज़मीन दी जाएगी, मगर अभी तक उनको एक ज़मीन का टुकड़ा भी नहीं दिया गया और यहाँ पे ऑपरेशन किया गया। आप खुद सोचें ये सर्दी में खुले आसमान तले बैठे हैं, अगर हमारे जो सीएम साहब हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, क्या उनके बच्चे एक दिन खुले आसमान तले बैठ सकते हैं जिस तरह ये हमारी गरीब आवाम बैठी हुई है? तो खुदा तरस करें, इनको या तो थोड़ी मोहलत दी जाए, अगर जिनके घर तोड़े गए तो उनको या प्लाट दिए जाएँ तो वह जाकर अपना पन्ना ले सकें, मगर कहीं किसी को भी इन पे तरस नहीं आ रहा। जब हमारी माएँ बहने एक एक के पास कुरान पाक लेकर, हमारे भाई तो नहीं, उनको तो गिरफ्तारियां हो रही थी वो तो भाग गए, मगर जो हमारी माएँ बहनें थी वो कुरान पाक लेकर जा रही थी एक एक के पास कि हमें मतलब टाइम दिया जाए, मोहलत दी जाए ताकि हम अपना सामान निकाल सकें। इन गरीबों की जो खून पसीने की कमाई से घर बने हुए थे वो भी इनसे छीने गए। हम पीपल्स पार्टी की बात करते हैं, सिंध में हमेशा पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही है, हमेशा पीपल्स पार्टी का मंशूर है रोटी कपड़ा और मकान। अफसोस से कहना पड़ता है कि ना इनको रोटी दी गई ना कपड़ा दिया गया, जो इनके खून पसीने से बने हुए मकान थे वो भी इनसे छीन लिए गए। अब बिलावल भुट्टो जरदारी से हम पूछना चाहते हैं कि उनका नारा कहाँ गया, वो किसके लिए नारा लगाते हैं, उनका मंशूर क्या था? ये मंशूर था कि अगर वो वोट लेंगे गरीब आवाम से तो उनसे इनसे घर छीने जाएंगे,
तो कुछ नजर करें, ये पाकिस्तानी है, सिंध में रहने वाले हमारे सिंधी बहन भाई हैं, इनको बेघर किया जा रहा है और इतने ठंड में ये तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, मगर किसी को अफसोस, किसी को इन पे रहम नहीं आ रहा। अब चीफ जस्टिस आप पाकिस्तान से हमारी अपील है, फिर भी हमें उनसे उम्मीद है कि इनको मोहलत दी जाए, जब तक इनको कहीं ज़मीन नहीं मुहैया की जाती तब तक इनको मोहलत दी जाए, तो ये अपने वहाँ पर जाके अपना सामान ले। अब यहाँ पर तो सारे ही लेबर है, इनके पास तो इतना पैसा भी नहीं है, तो वो किराया करके अपना सामान कहीं लेकर जाएं। तो मैडम रहनुमा पीटीआई के रहनुमा मुबीन जतोई साहब ने जो है अभी ऐलान किया था, मेरे ख्याल में 40 एकड़ की उन्होंने जो ऐलान किया था, इनको ज़मीनें देनी है, तो ये कब तक उनका काम होगा और ये कब तक वहाँ पे जो है रिहाइश पजीर होंगे, ये आवाम आप इस पर थोड़ा। मुबीन जतोई साहब ने जो ऐलान किया है वो काबिले तारीफ़ है, क्योंकि जो हमारे हुक्मरान हैं जिन्होंने मुल्क को लूटा हुआ है अभी तक उनको होश नहीं आया, मगर मुबीन जतोई साहब ने अपने मतलब पर्सनल प्रॉपर्टी में से इनको 40 एकड़ ज़मीन का ऐलान किया, इंशाल्लाह उस पर जल्दी अमल दरामद भी होगा। उन्होंने कहा है कि 15 दिन के अंदर अंदर ये प्लाट इनके हैंड ओवर किए जाएंगे। तो ये 15 दिन तक ये कहाँ सर्वे करेंगे, ये कहाँ जाएंगे, आप इस पर क्या कहेंगी? ये तो हुक्मरानों को सोचना चाहिए था ना, ऑपरेशन करने से पहले उनको सोचना चाहिए था ना, जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हुक्म हमारे सर आंखों पे, मगर जब इलेक्शन का टाइम होता है तो वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हुक्म कहाँ जाता है? तो इसके जो है जिम्मेदार कौन हुआ आपकी नज़र में? इसका ज़िम्मेदार यहाँ पे जो यहाँ के लोकल नुमाइंदे हैं, जो MPA MNAs हैं, वो ज़िम्मेदार, यहाँ के CM जो है सिंध के, वो ज़िम्मेदार हैं ना। उनको चाहिए था ना कि ऑपरेशन रुकवाते और जब तक इनको कहीं जगह नहीं दी जाती थी तब तक ये ऑपरेशन नहीं होना चाहिए था। तो जब इनको नोटिस आ रहे थे तो ये लोग कोशिश कर रहे थे किसी और जगह शिफ्ट होने की या नहीं? नहीं, इनको तो ऐलान किया गया था ना कि आप नोटिस तो दिए नहीं गए, इनको सिर्फ वर्बली कहा जाता था कि आप मतलब खाली करें, अगर खाली करवाना था तो इनको 3 साल हो गए, तो इनको कहा गया था कि आपको 200 एकड़ ज़मीन दी जाएगी, मगर अभी तक इनको ज़मीन दी नहीं गई। तो आप बताएं 20,000 घर हैं यहाँ पे, 20,000 की आबादी है, तो ये कहाँ लोग जाते, इनके पास तो कोई है नहीं। अब ये आप ये सोचिए, हम नए पाकिस्तान की बात करते हैं, यहाँ से जो लोग आए थे सैलाब में तो मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर आए थे, अपनी प्रॉपर्टी सारी बेच के उन्होंने यहाँ पर आके यहाँ पर मतलब बसेरे किया था। जो इरिगेशन वाले उन्होंने ही तो इनको प्लाट बेचे थे और उन्होंने फैसिलिटीज़ क्यों दी थी, अगर इनको उठाना था ना बिजली, गैस, स्कूल, मस्जिद, हर चीज़ और रोड, हर चीज़ की फैसिलिटी दी थी, अगर इनको उठाना था तो इतनी फैसिलिटीज़ नहीं देते, अगर फैसिलिटीज़ दी थी तो इनके ऊपर इतना जुल्म क्यों गया? अच्छा, तो इरिगेशन वालों का आपका ये कहना है कि उन्होंने इनको प्लाट बेचे थे, इन्होंने कब्जा नहीं किया, इन्होंने खरीदे हैं यानी? बिल्कुल इन्होंने खरीदे हैं, क्योंकि ये सैलाब में यहाँ पर आए थे तो इन्होंने ये प्रॉपर्टी खरीदी थी, इन्होंने किसी ने कब्जा नहीं किया यहाँ पर, तो कब्जा खोर तो इरिगेशन हुए ना, उनको तो पकड़े। जो बिजली देती थी हमें, ये हमारा मंदिर है, इस मंदिर का मैं खिदमतगार हूँ, सेवादारी हूँ, तोड़ फोड़ की है, ये हमारी इबादत गाह है, जैसे आप देख रहे हो खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं। ये मंदिर भी तोड़ दिया गया? जी जी, तोड़ दिया गया। तो आपको उन्होंने कोई नोटिस वगैरह नहीं दिया मंदिर के? नोटिस नहीं दिया ना, हमने आवाज मारी थी, ये मंदिर है मंदिर है, फिर दूसरी ये दीवारें पास वाले साइड वाले किराए दिए। अच्छा, ये मंदिर की दीवारें जो है गिरा दी गई हैं क्रेन से, और आप देख सकते हैं ये सारा हमारा भाई दो हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमारा भाई दो मेरा मामू है हीरो मल, वो भी गुमे, एक मासी का पुत्र, एक भा भाई गुमन, बस मामा भांजा है, भाई गुम पुलिस खड़ी है, बस सजी पुलिस पान पिटो आ पान खानी पान बजा। जब पुलिस आई थी तो उस वक्त आप लोग कहाँ पे थे? हम सर अपने घर में थे, हम हिंदू लोग हैं, हम किससे लड़ेंगे, हम किसी से नहीं लड़ सकते, हम अकेले थी बिरादरी के, हम किससे नहीं लड़ सकते। आपको यहाँ पे मुकेश चावला जो आपका MP है उन्होंने कोई फोन वगैरह नहीं किया आपको? भाई कोई नहीं आया है, हमने कोई नहीं आया है, कोई पूछने के लिए आया आपके साथ क्या नहीं हुआ कैसे, हमें पहले तो ये नोटिस देते थे, बोलते थे जगहें देंगे, प्लाट देंगे, वोट के टाइम आते थे बोलते थे हम जगहें देंगे, हम ऐसे नहीं, दूसरा कुछ नहीं देंगे, आज तो रोज भर जान दे, कुछ कर दे, सारा साफ कूड़ कर दे, झूठ बोलते। यहाँ खाने पीने की अशिया वगैरह आप सबके पास? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है,
चावड़ आए चावड़ सांगो आए किसी के पास और रंदे पकाट पकेट आया शहरी तबके वाला जो तंजीम है उन्होंने खाना भेजा था इन गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं दिया है सारे जगह हमारे इधर बेघर के चले गए हमने बोला ये जो हमारा हैंडपंप लगा हुआ है इसको आप छोड़ दे हम पानी पिएंगे वो भी ये तोड़ के चले गए अब पानी भी हम हैंडपंप भी यहाँ पे तोड़ के चले गए हैं और कुछ लोगों के जो है यहाँ पे भाई वगैरह उनको इनकी बकौल इनके के पुलिस लेके गई है लेकिन अभी तक हाल उनका पता नहीं चल सका है इसी हवाले से हम जो है और भी आपको जायजा दिखाएंगे अगर कैमरा मैन मेरा आपको जो है इसके अकब में दिखाए कि यहाँ क्या जो है तासुरात हैं इनके जी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये यहाँ पे तकरीबन जो बताए जा रहे हैं घर वो भी हम इनसे जानेंगे कितने घर थे यहाँ पे सर जी यहाँ कितने मस्मार किए गए यहाँ तो तकरीबन 20,000 लोग घर हैं 20,000 से भी ज्यादा हैं यहाँ अच्छा जी जी 20,000 घर हैं कितनी है आवाम की आबादी तकरीबन 60-70,000 से भी ज्यादा है अच्छा जी जी हर मजहब के लोग हर मजहब का लोग रहता है तकरीबन 20,000 घर हिंदू भी है मुसलमान भी हर जगह मेघवाड़े तो इतनी सर्दी है आप लोग कैसे यहाँ पे रह रहे हैं इस पे थोड़ा बस बैठे हैं ऐसे अल्लाह के आसरे और हमारा तो कोई सहारा नहीं है कुछ भी नहीं है कोई सहारा कुछ भी नहीं कोई भी नहीं आया ना हमें देखने भी नहीं आया कि यहाँ पे इंसान बैठे हैं या जानवर बैठे हुए हैं कोई देखने भी नहीं आया कि यहाँ पे लीज करवा के देंगे आपको लीज होगी कि मिलेगी इंशाल्लाह आपको बिजली दे रहे हैं आपको बिजली दे रहे हैं रोड दे रहे हैं आपको देख सकते हैं ये लीज कैसे हुई है जगह वो तो उनको पता चाहिए ना जो 5-5 लाख लेके गए हैं ये हुक्मरानों का तरीका है लीज कराने का उनने वादा करा था कि हम आपको बिजली दी है तो लीज भी करके आपको देंगे अच्छा लीज भी आपको मिलेगी रोड मिलेगी आपको बिजली मिलेगी गैस मिलेगा बस वोट दे दो हमारी इज्जत का ख्याल करो आपको हर चीज मिलेगी लीज भी मिलेगी अभी तो देखो हमारी ये लीज है हमारे पास कुछ खाने के लिए कुछ उस वक्त में कोई मसला नहीं था हाँ चाय पानी लेके जाते थे बंदों से लोगों से यहाँ पे काफी सारे जन वाड़े थे दूध के वहाँ से पैसे लेके भाग जाते थे दारोगे थे सर्वे जो बेलदार वगैरह थे वो लेके जाते थे बैठे हुए हैं इनका CNIC बना हुआ है उनको एड्रेस यहाँ की लिखी हुई है इनके मीटर्स बिजली के लगे हुए हैं गैस के मीटर्स लगे हुए हैं इनको स्कूल दिए गए इनको मस्जिदें दी गई हर चीज़ की इनको फैसिलिटी दी गई जब आपको उठाना ही था तो इतनी सारी फैसिलिटीज नहीं दी जब हम सर्टिफिकेट लेने जाते हैं तो उनका वोट यहाँ पर दर्ज है यहाँ की एड्रेस पर इनको सर्टिफिकेट निकाल के दिया जाता है जो वो डोमिसाइल वगैरह बनवाते हैं तो ये आपको सवाल गवर्नमेंट से करना चाहिए ना तो ये गवर्नमेंट फिर क्यों मतलब इनके ये एड्रेस वगैरह CNIC पे लिख कर देते हैं इनको क्यों अलाट करते हैं सर्टिफिकेट नहीं करने चाहिए थे ना ये आप एजुकेशन वाले से सवाल करें और ये हमारे जो यहाँ के नुमाइंदे उनसे सवाल करना चाहिए कि ये फिर इनको आप फैसिलिटी नहीं देते अगर दी हैं तो खुदारा इन पे तरस करें ये मुसलमान है इंसान है इंसानियत के नाते यहाँ पे बहुत कम्युनिटी रह रही है सिर्फ मुसलमान नहीं हिंदू कम्युनिटी भी है यहाँ पे सिख कम्युनिटी भी है बहुत कम्युनिटी के लोग रहे हैं इंसानियत के नाते इनकी मदद करें और दूसरा मैं आपके चैनल के थ्रू पूरी दुनिया को ये भी मैसेज देना चाहती हूँ खुदारा जो भी साहिब हैसियत लोग हैं अगर हमारे हुक्मरान इनकी मदद नहीं कर रहे हैं तो उनको चाहिए कि इनकी मदद करें जो हो सके क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे सर्दी में तड़प रहे हैं सबको चाहिए सिविल सोसाइटी के लोगों को जो हमारी NGOs हैं सबको चाहिए कि इनकी आकर हम मदद करें जितना जिससे हो सके इन बच्चों को कपड़े वगैरह या इनके लिए बिस्तरे जो चीज़ें हो सके पानी खाने का बंदोबस्त करें और इनके इनको कुछ ना कुछ फैसिलिटीज दी जाए इलाज कुछ नहीं हो रहा हम गरीब हैं क्या करें खाने के लिए भी नहीं अभी घर भी गए अब कहाँ जाए हम यहीं पे पड़े हैं खुदा का आसरा लेके अब तुम आए हो देख रहे हो आगे तुम बोल सकते हो तो किसी को तो देख के तरस नहीं आया कि यार इतने नहीं आया ना किसी को तरस नहीं आया ये छोटे छोटे बच्चे हैं ये आप सामने देख रहे हो ये माँ जी पड़ी है हम आपके सामने खड़े हैं मजदूर हैं घर भी गए अब हम कहाँ जाएँ हमारे पास कुछ भी नहीं खाने के भी नहीं दवाई के लिए पैसे भी नहीं हमारे जो जगहें तोड़ी गई हैं जी उसके लिए रास्ता भी नहीं है कहाँ जाए किधर जाए जब हमारा ये इन लोगों का मंजूर ये था कि हमें इसको लीज करके देंगे हमारी जगह तोड़े गई है ये सर ये हुक्मरान ये मिनिस्टरों का हाथ है वहाँ पे सब ये पीपी हुक्मरान का हाथ है वहाँ पे सब ताकत वाले लोग थे अब देख रहे हैं अब वफाक बोल रही है
हम दे रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट नहीं दे रही प्लाट, सिंध गवर्नमेंट नहीं दे रही प्लाट। तो खुले आसमान के तले ये लोग अभी भी यहाँ मौजूद हैं। आप मरीज़ भी हमारे अकब में देख सकते हैं, काफ़ी लोगों ने यहाँ पे झुंड बना लिया है क्योंकि ये सारे मुतासरीन हैं। नाज़रीन आपको मैं दिखाता चलूँ, यहाँ पे कुछ इलाका मकीन जो है नकल मकानी भी कर रहे हैं, अपने कई जो है रिश्तेदारों के यहाँ जा रहे हैं, कोई अपने प्यारों के पास जा रहे हैं। तो इसी हवाले से आप पीछे देख सकते हैं ये कि क्या जो है हालात हैं। आते भी ना जब बोलते हैं तो